हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल म्यूजिक वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया के उन फीमेल सिंगर्स को जो कि पूरे बॉलीवुड में फीमेल सिंगर्स में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट और हॉट है। Bro, what the fuck did you just say? हॉट और हॉट कहते तो ऑफेंड मत हो जाना, ये बस एक कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले खूबसूरती बस लोगों को एक्ट्रेस में ही दिखती थी, पर आज की जनरेशन में एक्ट्रेस से ज्यादा फीमेल सिंगर खूबसूरत होती है। विश्वास नहीं होता? अगर पुराने जमाने के लोग हो तुम तो विश्वास नहीं होने वाला तुम्हें। मैं नए जमाने का हूँ ना, समझे बाबा आदम के जमाने वाले। और मैं तुम सभी को उन टॉप 10 सिंगर्स को दिखाने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा सुंदर है आज के इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो बिना इस देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं उन फीमेल सिंगर्स को। नंबर 10, ध्वनि भानुशाली। जहाँ तक मुझे लगता है ध्वनि भानुशाली को आज के टाइम पे हर कोई जानता है क्योंकि इनका एक सॉन्ग 1 बिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है, दूसरा 700 मिलियन एंड एक और सॉन्ग जिसने 500 मिलियन व्यू क्रॉस किया है। इन्हें सबसे पहले लोगों ने टी सीरीज के जैम सेशन में देखा था जब दर्शन रावल का पहला बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा था एंड उनका जैम सेशन चल रहा था, उसमें उनको देखा गया था। रुको, क्लिप दिखा देता हूँ। इनका पहला सॉन्ग गुरु रंधवा के साथ निकला था जो कि काफी हिट हुआ था। उसके बाद तो हिट पे हिट देते गई है। नंबर 9, आकृति कक्कर। आकृति कक्कर के नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं ये नेहा कक्कर की बहन तो नहीं, पर नहीं, ये बस टाइटल का एक कोइंसिडेंस है। तो 3-4 साल पहले आकृति कक्कर भी बहुत फेमस थी, उनके गाने भी बहुत हिट होते थे, पर अचानक इन्हें कम सॉन्ग मिलने लगे और किसी को ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ। नंबर 8, कनिका कपूर। कनिका कपूर को जो लोग नहीं जानते तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने 100% इनका वॉइस कहीं ना कहीं सुना होगा। बेबी डॉल और चिट्टिया कलाई सॉन्ग तो सुना ही होगा आपने, ये वही सिंगर है। एंड पिछले लॉकडाउन में ये एक नेगेटिव बात के लिए ट्रेंड हो रही थी क्योंकि उसी वक्त वो चाइना से ट्रेवल करके आई थी और ये बात इन्होंने किसी को भी नहीं बताया था एंड इन्हें कोविड भी हुआ था उसी समय। तो उस वक्त बहुत हेट मिल रहा था इन्हें और सबसे ज्यादा हेट इन्हें इस बात के लिए मिल रहा था कि गलती करके भी अपनी गलती को नहीं मान रही थी। गजब तू बीवाज आदमी हो। नंबर 7, नीति मोहन। नीति मोहन इस समय की बहुत फेमस फीमेल सिंगर है। इनके बहुत सारे हिट सॉन्ग है बॉलीवुड में एंड आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये शक्ति मोहन की बड़ी बहन है। अरे शक्ति मोहन डांस प्लस का रियलिटी शो जो आता है स्टार प्लस पे, उसी की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें रेमोट डिसूजा जज है, शक्ति मोहन भी जज है उसमें। तो ये मत सोचना कि शक्ति मोहन के दम पे ये फेमस हुई है, ऐसा नहीं है। जिस वक्त शक्ति मोहन फेमस हो रही थी उसी वक्त नीति मोहन भी फेमस हो रही थी अपने सॉन्ग की वजह से। एंड बॉलीवुड में इनके कुछ सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग है इश्क वाला लव, फर्स्ट क्लास एंड बैंग बैंग। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। नंबर 6, अजीज कौर। अजीज कौर को तो आज के टाइम पे ज्यादातर लोग जानते ही हैं क्योंकि पिछले लॉकडाउन में उनका सॉन्ग मखना बहुत ही फेमस हुआ था। उससे पहले भी इनके बहुत सारे सॉन्ग फेमस हुए थे जैसे कि अखलड़ जावे, वे माही, बोलना का फीमेल वर्जन एंड इन्हें इनके बोलना सॉन्ग के फीमेल वर्जन के लिए अवार्ड भी मिला था। उसी के बाद से ये बॉलीवुड में छा गई। माही मैनू छड़े ओ ना के तेरे बिना दिल नहीं हो, दिल नहीं हो लगना, जिथे भी तू चलना है पीछे पीछे चलना। नंबर 5, पलक मुछल। पलक मुछल के बारे में एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि इन्हें न्यू जनरेशन की श्रेया घोषाल भी कहा जाता है एंड इन्हें श्रेया घोषाल से कंपेयर भी किया जाता है। एंड इनका पहला टेलीविजन अपीयरेंस एक सिंगिंग रियलिटी शो में हुआ था जिसका नाम था लिटिल स्टार्स एंड ये क्लासिकल ट्रेंड भी है। एंड पलक मुछल के कई सारे फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जैसे कि कौन तुझे, चाहूं मैं या ना, हुए बेचैन। एंड पलक मुछल इनके छोटे भाई पलश मुछल जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, वो स्टेज शो करते हैं फंड रेज करने के लिए गरीब बच्चों के लिए जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हार्ट डिजीज के लिए एंड जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं। Yeah, my respect. इतना बता दो तुझको चाहत पे अपनी म-
मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार। नंबर 4, तुलसी कुमार। तुलसी कुमार को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं करूंगा। तो तुलसी कुमार को ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में गुलशन कुमार की बेटी एंड भूषण कुमार की बहन के नाम जानते थे, पर धीरे धीरे तुलसी कुमार ने बॉलीवुड में अपने वॉइस से अपनी खुद की भी पहचान बना ली और सोच ना सके साकी साकी तेरा बन जाऊंगा जैसे हिट सॉन्ग दिए। बहुत लोग इन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्हें सॉन्ग बस टी सीरीज की वजह से मिलता है। अभी तक तुलसी कुमार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है उन लोगों पे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके बारे में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। नंबर 3, शेरली सेतिया। शेरली सेतिया एक टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस कवर सिंगर हुआ करती थी यूट्यूब पे और उनके कई सारे कवर सॉन्ग 30-40 मिलियन भी गए हैं। एंड उसके बाद ही इन्हें बॉलीवुड में कई गाने मिलने लगे जैसे कि डिस्को डिस्को, जब कोई बात एंड कोई भी नहीं। एंड अभी भी ये यूट्यूब की सिंगिंग सेंसेशन है। हम पहली बार मिले, तुम पे ये दम निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे माधम मचले रे। नंबर 2, श्रेया घोषाल। इन्हें कौन नहीं जानता म्यूजिक इंडस्ट्री में, अगर तुम लोग ढिकचिक ढिकचिक पार्टी सॉन्ग सुनने वाले ऑडियंस हो तो पता नहीं। जिस तरह अरिजीत सिंह को किंग ऑफ मेल वोकल कहते हैं, वैसे ही श्रेया घोषाल को क्वीन ऑफ फीमेल वोकल कहते हैं। एंड इनके हिट सॉन्ग के बारे में बताने लगो तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस है उनका ही नाम बताऊंगा, जैसे कि तेरी मेरी, पिया और पिया, घूमर एंड हसी। नंबर 1, डोनिता गांधी। डोनिता गांधी भी पहले एक इंटरनेट सेंसेशन थी शेरली सेतिया की तरह, पर जैसे जैसे टाइम बीता ये यूट्यूब पे बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगी अपने वॉइस की वजह से। एंड तब इन्हें एक सॉन्ग मिला जिसने इनका लाइफ चेंज कर दिया, एंड वो सॉन्ग था द ब्रेकअप सॉन्ग, जो कि ए दिल है मुश्किल का सॉन्ग था। एंड इन्हें इस सॉन्ग के लिए अवार्ड भी मिला। एंड उसके बाद तो ये हिट पे हिट सॉन्ग देती गई। एंड बॉलीवुड में इनके कुछ हिट सॉन्ग्स हैं जैसे कि 100 तरह के, ब्रेकअप सॉन्ग, दिल का टेलीफोन। एंड उम्मीद है आगे भी ऐसी हिट सॉन्ग देती रहेंगी। ये थे वो टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन फीमेल सिंगर्स। तो इस वीडियो में मैंने जिस सिंगर को भी जिस नंबर पे रखा है वो मेरा ओपिनियन है, एंड सुंदर तो सभी है इसमें। एंड मैंने इस वीडियो में जितने भी सिंगिंग के क्लिप यूज किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो कमेंट में बारो मत लिखना कि भाई उस परफॉर्मेंस का वीडियो का लिंक दो ना। एंड अगर आपको टॉप 10 हैंडसम इंडियन मेल सिंगर्स का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।